रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ मरियम, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और सेफ होंगे। तो आज की वीडियो है मेरी सेकंड ओवरव्यू ऑफ रूफटॉप गार्डन पार्ट टू। तो आई हूँ अभी मैं अपने रूफटॉप गार्डन में। 10 बजे का टाइम है और इस टाइम मुझे पानी वानी देना होता है और जिन प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना होता है उन पे भी काम करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं गार्डन में आई तो मुझे ये हिबिस्कस के प्यारे प्यारे फ्लावर्स नज़र आए। ये देसी हिबिस्कस है और मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ब्लूम देता है और मुझे ये कलर पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स आप सभी लोगों के लिए। और इसके अलावा वाइट हिबिस्कस भी काफ़ी अच्छी ब्लूम्स दे रहा है मुझे और बहुत अच्छे से ब्लूम्स आ रहे हैं इसके, ये देखें। और ये ब्लूम्स कितने प्रिटी लग रहे हैं, इतने प्रिटी लग रहे हैं। और रेड और वाइट जब दोनों साथ पड़े हों तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। और जो भी मेरे प्लांट जो कि फ्लावर नहीं दे रहे थे उनको, उन पे आजकल वर्क कर रही हूँ मैं। और देखें मुझे कब फ्लावर देते हैं वो प्लांट। तो बहुत सारे हिबिस्कस आज मेरे गार्डन में। और इसके अलावा हम बात करेंगे स्वीट पोटैटो वाइन की, जो बहुत अच्छे से हमेशा से चलती है और कभी भी ख़राब नहीं होती है। इसके पीछे चंपा का प्लांट है, इसने इस सीज़न में मुझे ब्लूम्स नहीं दिए, वजह क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। मैंने इसे बहुत सारी कटिंग्स तैयार की थी और फिर बिल्कुल ये गंजा हो गया था और इतने अच्छे से, अब इस पर जब लीव्स आएँ तो इंशाल्लाह ब्लूम्स भी बहुत जल्द देगा मुझे। यह मेरा कैना लिली का प्लांट और इस पर भी पब आया हुआ है। तो खुली स्पेस हो तो सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो गार्डनिंग में बिल्कुल भी मैजिक नहीं चलती, और अगर मैजिकल कोई चीज़ यूज़ करो भी तो वो है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आप भी ज़रूर यूज़ किया करें। और बनानास तो रोज़ ही हर घर में पाए जाते हैं और बनाना खा के छिलकों को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अगर छिलकों को डस्टबिन में फेंकने बजाए उनसे एक फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और ये मेरा छोटा सा पॉट है जिसमें इतने सारे ब्लूम्स आए हुए हैं। तो इधर आपको अपने हरी मिर्चों और कैप्सिकम भी दिखा ही देती हूँ। तो देखें मैंने इतने दिनों से हार्वेस्टिंग नहीं की और अब ये मोटी होने स्टार्ट हो गई हैं और रेड भी होना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़े से मुझे सीड्स भी चाहिए थे तो नीचे वाले प्लांट पे तो मैंने सीड्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन ऊपर वाले प्लांट पे मैंने अभी भी जो सीड्स हैं वो नहीं बनाए हैं। तो ऊपर वाले प्लांट्स पे मैं सीड नहीं बनाऊँगी क्योंकि इन प्लांट्स को मैंने सर्दियों के लिए भी सेव करके रखना है। बहुत मुश्किल से ये प्लांट ग्रो होते हैं और थोड़ी सी इनकी केयर की जाए तो सर्दियों में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। चलो मैं आपको अपने कैप्सिकम की हालत भी दिखा दूं। दरअसल बात क्या हुई है कि मैंने इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला। जिस स्टेज पे फ्लावर्स बनते हैं उस टाइम इनको हैवी फीड की ज़रूरत होती है, तो टाइम की कमी की वजह से और इधर उधर हॉलीडेज़ की वजह से बिल्कुल भी इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे पाई हूँ। तो इस वजह से ये जब निकलती हैं तो उसके साथ ही, ये देखें ये मेरी बड़ी कैप्सिकम, निकलते साथ ही ये जगह पे ही रेड हो जाती हैं, सबसे बड़ा कारण है इसका। और इधर कुछ मैंने सीड्स बनाने के लिए मिर्चें छोड़ दी थी, तो ये देखें हरी मिर्चें, इनको हम अच्छे तरीके से ड्राई करके पीस के घर में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ठीकी मिर्चें हैं ये। तो बाज़ दफ़ा कमी की, टाइम की कमी की वजह से हम
बहुत से काम नहीं कर पाते और फ्रूटिंग ट्रीज़ को भी मैं ज़्यादा तवज्जो इस दफ़ा नहीं दे पाई हूँ और कोई भी फ्रूट मेरा नहीं लगा है। तो अब आगे कोशिश करूँगी कि मैं इनको टाइम दूँ। ये मेरे ट्यूबर लॉस ग्लाडियस के प्लांट और इधर है मैरीगोल्ड, ये देसी वाला मैरीगोल्ड है और इधर मेरे बहुत सारे करेले लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे करेले हैं और काफ़ी देर से मैंने ये प्लांट लगाया था और ये उन्हीं से लगा हुआ है जो हम घर में सब्ज़ी लाते हैं, तो उसी से ये प्लांट मैंने लगाया था सीड से। तो कोशिश करें कि पके हुए सीड्स लगाएं ताकि आपका प्रोपगेशन फेल आओ। इस तरफ मेरे मॉस रोज, तो ब्लूमिंग तो मेरे गार्डन में बहुत सारी होती रहती है, एक के नया कलर मेरे गार्डन में, और मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ क्योंकि हम गार्डनर्स के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे ब्लूम्स कौन कौन से आ रहे हैं, किस प्लांट पे कौन से ब्लूम्स नहीं आ रहे हैं। मैक्सिकन पिटूनिया भर भर के फ्लावरिंग दे रहा है रोज़, और इधर इंग्लिश रोज़ पे भी बहुत सारे पब्स आए हुए हैं, तो इनको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जो कि हम इसको नहीं देते। और मैंने तो इस दफ़ा बिल्कुल भी इन पे कोई ख़ास वर्क नहीं किया। ये देखें मलबरी लगी हुई है और थोड़ा सा मैंने इसका पानी रोका था क्योंकि ये मुझे फ्रूटिंग नहीं दे रही थी, और अब देखें फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो गई है। ललटाना तो बहुत बहुत सारे ब्लूम्स मेरे गार्डन में रोज़ खिलते हैं और कैप्चर करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन अगर मिस हो जाए कोई भी ब्लूम्स तो माफ़ी चाहती हूँ। ये है देसी गुलाब, किसी भी आम नर्सरी से आपको मिल जाएगा और कटिंग से भी बासानी लग जाता है। और इधर कूचिया की कंडीशन देख लें आप, कूचिया भी हमें जाने का टाइम आ गया है, कूचिया का बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। इसके अलावा ये है तुलसी, इसके अलावा ये है सिंगोनिया जो मैंने कटिंग से तैयार किया था, और इतनी मेहनत के बावजूद अभी भी ये मुझे इस तरह से फ्लावर्स इसने मुझे नहीं दिए हैं, और इंशाल्लाह कमिंग दिनों में, कमिंग डेज़ में ये मुझे फ्लावर दे, आई होप सो। और रेन लिली, ये बेबी सन रोज़ का प्लांट है जिसकी बहुत सारी कटिंग्स मैंने स्पॉट में लगाई थी और सारी की सारी चल पड़ी हैं। और ये है मेरा लेमन का प्लांट और इस पे छोटे छोटे बहुत सारे लेमन लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारे ब्लूम्स मेरे गार्डन में आते हैं और उनको कैप्चर करने की कोशिश भी मैं करती हूँ। तो ये बहुत सारे गिलाडियस के बल्ब जो कि मैंने सेपरेट किए हैं, एक ही पॉट में लगे हुए थे, अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इनके बल्ब को अलहदा अलहदा कर दूँ, इनको हैवी पीट फर्टिलाइज़र दूँगी जिसके बाद ही ये ब्लूम करेंगे। तो बहुत सारे मेरे प्लांट्स ये भी बन चुके हैं, और ये मेरी स्वीट पोटैटो वाइन है एक और शेड, और इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया। इधर देखें तो गार्निशन के प्लांट हैं, मैरीगोल्ड है जिसको मैं अभी तक सेपरेट नहीं किया मैंने, और ये मेरा वाइट वाला विनका है, कॉस्मोस पे भी काफ़ी अच्छे बल्ब्स आ रहे हैं। तो अगर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो बनाना पेल का फर्टिलाइज़र ही डाल दीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छे ब्लूम्स आते हैं। इधर है मेरी तुलसी और मेरा सदाबहार जो कि बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत सारे मेरे प्लांट्स बनेंगे सदाबहार के भी। ये है मेरा हाइब्रिड वाला हिबिस्कस,
तो आज की वीडियो इतनी ही, वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगी आपके साथ नई वीडियो लेके। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।